Dear students, today I am going to solve exercise 20A and question number 7. And question is given, the cost of carpeting a room 15 meter long with a carpet of white 75 centimeter at rupees 80 per meter is rupees 19,200. मतलब एक रूम है, सपोज करिए रूम है, इसका लेंथ दिया हुआ 15 मीटर और इसमें कारपेट बिछाया जाता है, उस कारपेट का ब्रेथ दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। सपोज करिए ब्रेथ है उसका कारपेट का 75 सेंटीमीटर और इस रूम को कारपेटिंग करने का टोटल कास्ट आता है रूपीज 19,200। तो हम लेंथ ऑफ कारपेट निकाल लेंगे, टोटल कास्ट ऑफ कारपेटिंग अपॉन कास्ट ऑफ कारपेटिंग पर मीटर, तो 19,200 अपॉन 80, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 240 मीटर। एंड एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ 240 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 75 अपॉन 100 मीटर, ये एरिया हो गई कारपेट का। तो हमको पता है कि जितना एरिया कारपेट का होगा उतना ही एरिया रूम का भी होना चाहिए, सो एरिया ऑफ रूम इक्वल टू एरिया ऑफ रूम इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट इट इज इक्वल टू 240 इंटू 75 अपॉन 100 एंड इट इज इक्वल टू लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ हमको निकालना है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 थ्री जा 25 फोर जा और फोर से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 60, सो ब्रेथ इक्वल टू 60 इंटू 3 अपॉन 15 मीटर, 15 से डिवाइड कर देंगे 4 इज इक्वल टू 12, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो 12 मीटर, मीन्स रूम का जो ब्रेथ है वो कितना है 12 मीटर। नाउ वी विल सॉल्व सम अदर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 16,200 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16,200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर्स, सो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू ए अंडर रूट 2, और इसको हम सॉल्व अगर करेंगे तो इट विल बी ए स्क्वायर इक्वल टू 6 2 0, उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, देन 16,200 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम लोग, नाइन हंड्रेड
और 900 का अगर निकालेंगे आप तो 30 आएगा। टू से करिए 450, फिर टू से करेंगे हम लोग 225, फिर 5 से करेंगे 3 से ही करते हैं, 3 से करेंगे 37 जा 35 जा, फिर 3 से करेंगे 25, 5 5 1, इसका पेयर बना लेंगे। Therefore, A equal to 2 into 2 into 3 into 5, 120, 2 into 2 into 3 into 5, 20 25, सॉरी 3 से करेंगे 36 जा 37 जा 35 जा, फिर 3 से करेंगे 37 जा 35 जा, फिर 3 से करेंगे 25 हो जाएगा। टू इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू टू, ये अंडर रूट में आ जाएगा। 4 5 जा 20, 29 जा 180, 2 सिंगल 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, 90 अंडर रूट 2 एंड इट इज इक्वल टू 90 अंडर रूट 2, 90 अंडर रूट 2 मीटर। सो लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 3 अंडर रूट 2, वैल्यू रख देंगे, एक वैल्यू रख देंगे 90 अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 2 मीटर, मींस हो जाएगा 90 इनटू 2 मीटर मींस 180 मीटर, दैट इज योर आंसर। स्क्वायर रूट थोड़ा ठीक से निकालेंगे, जैसे मुझसे मिस्टेक हो गया था तो वैसा मिस्टेक नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट इसको ठीक से निकालेंगे। Now question number 16. Question number 16. Question number 16. A godown of 50 meter long, 40 meter broad and 10 meter high. Find the cost of point passing its four wall and ceiling at rupees 20 per square meter. Question पर समझें। Length दिया है आपका 50 meter, breadth 40 meter and height equal to 10 meter. Then area of four walls
एरिया ऑफ फोर वॉल्स इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 2 इंटू 50 प्लस 40 इंटू 10 मीटर स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 50 40 90 इंटू 20 मीटर स्क्वायर मीन्स 1800 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सीलिंग अगर छत का एरिया आपको निकालेंगे एरिया ऑफ सीलिंग एरिया ऑफ सीलिंग सीलिंग सेलिंग इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ तो लेंथ 50 एंड ब्रेथ 40 मीटर स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 2000 मीटर स्क्वायर सो टोटल एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1800 प्लस 2000 मीटर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 3800 मीटर स्क्वायर देयरफॉर कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इक्वल टू रुपीज 20 इंटू 3800 सो इट इज इक्वल टू 76,000 चेक योर आंसर प्लीज करेक्ट आंसर इज करेक्ट एंड आई होप यू मे सॉल्व अदर क्वेश्चन लाइक दिस एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी थैंक यू